स्वागत है आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मल्टीमीटर के बारे में और चला के भी दिखाएंगे। ये है मल्टीमीटर, इसको यूज कैसे करते देखिए। इसका दो लेग होता है, ये देखिए दोनों प्रॉप बोलते हैं, ये प्लस और माइनस होता है। लाल वाले को प्लस और ब्लैक वाले को माइनस बोलते हैं। यहाँ पर दोनों देखिए दोनों कनेक्ट होते हैं, नीचे वाला कॉमन है, ऊपर वाला है जो वोल्टेज वाला है। इसको देखिए अभी जो हम दिखा रहे हैं ये एसी करंट चेक करने के लिए है, और ये जो है डीसी करंट चेक करने के लिए है। 20 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। देखिए हम मोबाइल का बैटरी चेक करके दिखाएंगे अभी आपको लाइव। इसको प्लस वाला पे प्लस वाले लगाना है और माइनस वाले को माइनस पे लगाना है। अभी देखिए हमने उल्टा लगा दिया है, इसकी वजह से माइनस में दिखा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू दिखाएगा वो, तो यानी कि बैटरी सही है। अभी देखिए एसी करंट चेक कर रहे हैं, तो इसमें फेस न्यूट्रल होता है, इसमें प्लस माइनस का निशान नहीं होता है, तो इसमें कोई भी डाल सकते हैं, तो कैसे भी लगा दीजिए ठीक है। देखिए लग गया, लगेगा तो देखिए अभी यहाँ पर आएगा डिस्प्ले उसका। अभी देखिए देखिए लगा तो आएगा, वो ठीक से टच नहीं हो पा रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन आप चेक करिएगा तो 100% वैल्यू आएगा। देखिए 257 ये इसका वोल्टेज है। एजिना डायोड भी चेक करते हैं, देखिए एजिना डायोड इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे, ये सही है कि ख़राब है, इसको कैसे चेक करते हैं आइए जानते हैं। तो देखिए डायोड ड्रेन पे डाल देंगे मल्टीमीटर को, उसके बाद दोनों प्रॉप को प्लस और माइनस सिरे पे लगाएंगे, तो वैल्यू एक तरफ से वैल्यू आएगा दूसरी तरफ से नहीं। देखिए इधर से वैल्यू आ रहा है और दूसरी तरफ से नहीं आना चाहिए, तब ये डायोड सही है। देखिए अगर दोनों तरफ से आएगा तो डायोड ख़राब है। दोस्तों ये वाला रेंज रजिस्टर चेंज चेक करने के लिए होता है, रेजिस्टेंस है नहीं इसलिए हम दिखा नहीं पाएंगे। दोस्तों ये वाला सर्किट जो है ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए है। मोबाइल रिपेयरिंग में इतना ही रेंज में आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं और कर सकते हैं।